माधव, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? सॉरी सॉरी माधव, मुझे तुझसे बिना पूछे ये काम नहीं करना चाहिए था। क्या काम? वो बड़ी माँ ने ये मंगलसूत्र मंगाया था चित्रा दीदी का पालिश करने के लिए। इसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, तेरे और इस घर की सुख शांति के लिए। चित्रा दीदी भी यही चाहती थी, उनका अपमान करना ठीक नहीं होगा ना। सारी माधव, मैंने तुझसे बिना पूछे मंगलसूत्र ले लिया। तूने मुझे मना भी किया है कि चित्रा दीदी की चीजों से दूर रहूं, लेकिन मैं ये तेरे और इस घर की सुख शांति के लिए ही कर रही थी। शुक्र है तुमने माधव को सब सच बता दिया। वैदेही, हे भगवान, ये लड़की पूरा कुड़ गोबर करेगी। इतनी बेवकूफ है, सारे किए करा पर पानी फेर देगी। वैदेही, तुझे क्या लगता है मुझे ये मंगलसूत्र दे देना चाहिए? माधव, वैसे तो मैं कोई नहीं होती तुझे राय देने वाली, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तू और चित्रा दीदी एक दूसरे की बहुत फिक्र करते थे, और अगर उनकी किसी चीज से तेरी जिंदगी में सुख और शांति आती है तो वो भी यही चाहेंगी ना। और फिर तू भी तो कहता था ना कि इस मंगलसूत्र का एक एक मोती तुम दोनों को जोड़कर रखता है, तो फिर इसकी चमक हम कैसे कम होने दे सकते हैं? बाकी तू खुद बहुत समझदार है। ये मंगलसूत्र मेरे हाथों में आने में देर नहीं लगेगी। वैदेही तो मंगलसूत्र मुझे ही देगी। जहां भी है तू चित्रा, ध्यान से सुन ले। बहुत जल्द तुझसे इस हवेली को और खुद को मुक्त कराकर ही छोड़ूंगी। आखिर जीत तो मेरी ही होगी। माधव, मैं इसे संभाल कर रखूंगी, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। वैदेही, ये मंगलसूत्र मेरे लिए बहुत खास है। चित्रा के जाने के बाद भी आज तक मैंने अपनी आंखों से इसे कभी दूर नहीं किया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं तुझे दे रहा हूं। अब ये तेरा काम है कि ये मंगलसूत्र वापस संभाल कर तू मुझे वापस ला कर दे। ओके। बड़ी माँ,
जवाब है दे? तुमने तो कमाल कर दिया। माधव से कुछ बात करनी हो या उसे समझाना मुश्किल हो तो वैदेही को कह देना चाहिए। वैदेही सारे काम चुटकियों में कर देती है। एक चाल और चल और तेरी क्वीन गई। चेक एंड मेट। चल चल। हैप्पी होली। चित्रा क्या किया तुमने? मैं जीतने वाला था। तो क्या हुआ? उस क्वीन को छोड़िए और इस क्वीन पे ध्यान दीजिए। माधव, होली के दिन चेस कौन खेलता है? हाँ, जल्दी से तैयार हुई, हमें बाहर जाना है होली खेलने के लिए। और वैसे भी उसके पहले हमें होली का पूजा भी करनी है। और आपको याद है ना, आज हम सबको ना कुछ नया करना है जो हमने पहले कभी नहीं किया है। चित्रा, तुमने जो मुझे लिस्ट दी थी सामान की, मैं सारा सामान ले आया हूँ। प्रसाद, पिचकारी, फूल सब लेके आया हूँ। वेल डन पति जी, वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन ये सब तो आप हर साल करते हैं ना भाभी? पर ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि होली पे नई चीज करनी ही पड़ेगी। रूल है देवर जी, रूल है। 501, आप लोगों ने चित्रा पुराण नहीं पढ़ा है क्या? नहीं। चित्रा पुराण? ये कैसा पुराण है? अब जो है वो तो है। आप अपनी बीवी को नाराज करना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके। भैया, भाभी के सामने आप कुछ बोल नहीं पाते। मुझसे गुस्से ही किए। अनुराधा को कैसे कंट्रोल करके रखता हूँ? मेरे सामने कुछ बोल नहीं पाती वो, और ऐसे गेम तो खराब कर ही नहीं सकती। चित्रा के साथ रहेगी ना तो देखता हूँ कितने दिन ऐसी रहेगी। या तो तू बदल जाएगा या तो तेरी बीवी, समझा? संग्राम भैया ने जो कहा वो तो वही करते हैं। अनुराधा भाभी के साथ जो व्यवहार करते हैं, खैर छोड़ो। तू बता, तूने क्या किया ऐसा जो पहले कभी नहीं किया था? जरूर रसोई घर का कोई काम किया होगा। तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना? हाँ, और वो भी कोई ऐसा वैसा काम नहीं। चित्रा ने मुझसे आटा गुनवाया। और माधव साहब ने तो कभी आटा गूंथा नहीं है। हाथ जो गंदे हो जाते हैं। तुझे तो ये भी नहीं पता होगा कि उसमें पानी कितना डालते हैं, है ना? Seriously, मुझे कोई आइडिया नहीं था। शक्करपारे का आटा जो होता है ना, वो ना ज्यादा नर्म होना चाहिए ना ज्यादा सख्त। इसलिए पानी और आटे की जो मात्रा है ना, वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, शुरू हो जाइए फिर। माधव, थोड़ा और पानी डालिए ना, ऐसे तो आटा सख्त हो जाएगा। अरे अरे, माधव थोड़ा सा और पानी डालिए ना। थोड़ा सा और पानी डालिए। भगवान, माधव ये क्या किया आपने? क्या सारा आटा खराब कर दिया? इतना पानी कौन डालता है? हाँ, कितनी मेहनत लगी होगी ना चित्रा दीदी की उसे बनाने में। जब तुझसे कहा था कि नाप तोल के डाल, तो एक गंगा जमुना बहाने की क्या जरूरत थी? वैदेही रिलैक्स रिलैक्स, इतना क्यों गुस्सा हो रही है? सारी पता नहीं मैं क्यों इतना गुस्सा हो गई और गुस्से में क्या क्या बोल गई। इतना तो चित्रा भी गुस्सा नहीं हुई थी। हाँ, चित्रा दीदी ने कोई गुस्सा नहीं किया? नहीं, चित्रा ने मुझे प्यार से माफ कर दिया जैसे हमेशा करती आई है। मेरी गलती को भी सुधार दिया, उसमें और सूखा आटा डाल दिया और दुनिया के सबसे अमेजिंग शक्कर पारे बनाया उसने। क्या हुआ पतिदेव, मुंह में पानी आ रहा शक्कर पारे देखकर? मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ,
के शक्कर पारे देख के मुंह में पानी आ रहा है या तुम्हें देख के? त्योहार वाले दिन ना ऐसी बातें नहीं करते। क्यों भाई, ये रूल नंबर 502 है। ओए, बिल्कुल नहीं, पूजा के पहले आपको शक्करपारे नहीं मिलेंगे। पहले होलिका देवी की पूजा होगी और फिर मिलेगा आपको प्रसाद। बस अब तय हो गया कि तू होली का त्योहार मनाएगा। अरे मैंने कहा ना तुझे, मुझे होली नहीं मनानी। माधव, जो पल तूने चित्रा दीदी के साथ बिताए उस पल में वो तुझे जीना सिखा रही थी, जिंदगी को खुलकर और खुशी से जीना। और अब जब वो तुझे ऐसे देखेंगी कि तू वैसे नहीं जी रहा है जैसे वो चाहती थी, तो उन्हें कितना दुख होगा। माधव, सही कह रही है वैदेही, आप अपना जन्मदिन भी नहीं मनाते। कोई त्योहार नहीं मनाता तू, गुलाब जामुन भी नहीं खाते, हींग भी खाना छोड़ दिया है, फिल्मी गाने नहीं सुनते, शतरंज और लूडो भी नहीं खेलता, वो तो तुझे कितना पसंद था। तू हर उस चीज से दूर भागता है जो तुझे चित्रा दीदी की याद दिलाती थी। ये बात सही नहीं है। वाओ, क्या इम्प्रेसिव स्पीच है, बहुत अच्छा बोल लेती है तू। हर चीज गिन के रखी जो मैं नहीं करता। मैंने नहीं, डायरी ने। अरे वैदेही, मुझे नहीं पता मुझे होली मनानी है या नहीं मनानी। कोई बात नहीं, अगर मन में संदेह हो तो जादुई सिक्का उछालना चाहिए। जादुई सिक्का? हाँ, जादुई सिक्का मैंने बचपन से संभाल के रखा है और अब तो इसे चित्रा पुराण का आशीर्वाद भी मिल गया। फिर तो काफी असरदार होगा, उछाल इसे। नहीं नहीं, एक मिनट, तूने क्या कहा? पहले तो चित्रा पुराण जैसी कोई चीज नहीं है और तू कह रही है कि इसका आशीर्वाद लेके आई है। माधव, तुझे सच में ऐसा लगता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है? माधव, चित्रा पुराण की ना इंसल्ट मत करिए। नहीं नहीं, है चित्रा पुराण है, मैं कभी उसकी इंसल्ट नहीं कर सकता। तू सिक्का उछाल। अगर हेड्स आया तो तू जीती, टेल्स आया तो मैं जीता। समझ में नहीं आ रहा अब इस चित्रा को मैं कैसे हराऊंगी। हेलो। अगर मंगलसूत्र तुम्हारे हाथ नहीं लगाए तो एक और चीज है जिससे तुम्हारा काम बन सकता है। कंधे और तेरे चेहरे के हाव भाव से मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जीत गया हूं। मुझे समझ नहीं आता कोई एक त्योहार ना मनाने से इतना खुश कैसे हो सकता है। तूने ज्यादा सैड मत हो, ये आइडिया किसका था? तेरा था ना। अब सिक्का उछाला है तो रिजल्ट भी तो देखना पड़ेगा। खोल, ये ले, देख ले, मुबारक हो, तू जीत गया। अभी मैं हार गया हूं। हाँ? ये कैसे हुआ? अभी तो मैंने देखा था ये उल्टा था। तू छोड़ इस सिक्के को, कोई जादू वादू नहीं होता इसमें। ये तो वो प्रसाद लिया था ना, उसमें छुट्टे पैसे मिले थे। तू मत मान इसे, तुझे होली नहीं खेलनी ना तू मत खेलना, कोई बात नहीं। वैदेही, वो रंग वाला रंग लेकर आ गया है, तुम ही ने बुलाया ना उसे। रंग वाला? कौन रंग वाला भाभी, मैंने किसी रंग वाले को नहीं बुलाया। पर वो तो कह रहा था कि घाघरा पहने एक लड़की आई थी जिसकी चोटी में फूल भी थे, और उस लड़की ने कहा था कि ठाकुर हवेली में रंग ले आए। घाघरा तो कोई भी पहन सकता है ना भाभी, और फूल तो सबको पसंद होते हैं ना। आपको भी तो पसंद है ना, आपने कहा था आपको फूलों वाली होली पसंद है।
मैंने नहीं वैदी, मैंने तो आज तक कभी भी फूलों की होली नहीं खेली है। भाभी आपने ही तो कहा था कि आपको पीला रंग बहुत पसंद है। नहीं वैदी, मुझे पीला रंग नहीं पसंद है। अरे अगर नहीं बुलाया तो कम से कम बोल तो दो। हाँ चलो भाभी हम चलते हैं। वैदेही। जी भाभी। फोटो छुपाने से क्या मैं ये भूल जाऊंगी कि चित्रा भाभी ने भी ऐसी ही साड़ी पहनी थी होली के दिन जो तू पहनने की कोशिश कर रही है। सारी भाभी आप ये सोच रही होंगी ना कि मैं कितनी उठपटांग हरकतें करती रहती हूँ। बेवकूफ वैदे, सब लोग सोचेंगे कितनी पागल है तू। वैदे ही, सिर्फ साड़ी पहनने से बात नहीं बनेगी। ये देखो चित्रा भाभी के गहने। इस तरीके के गहने पहनती थी मैं, और अगर तुम्हें उनकी तरह दिख रहा है तो तुम्हें भी ये गहने पहनने पड़ेंगे। और हाँ, सबसे पहले तो तुम अपनी ये चोटी खोलो, क्योंकि चित्रा भाभी बिल्कुल ऐसे बाल नहीं बनाती थी। थैंक यू भाभी, पर क्या करूं, कब से ये साड़ी पहनने की कोशिश कर रही हूँ, बार बार बांधती हूँ पर खुल जाती है। लाओ मैं पहना देती हूँ। अच्छा वैदे ही, मेरे मन में एक सवाल है तुम्हारे लिए। पूछूं? हाँ पूछे ना भाभी। तुम्हारा एक भी पल ऐसा नहीं जाता है ना जब तुम माधव भैया को याद ना करो। जाता है ना भाभी, जब मैं मंदिर जाती हूँ। अच्छा, और मंदिर में जाके क्या मांगती हो? माधव भैया की खुशी है ना? बहुत प्यार करती हो ना तुम माधव भैया से। हाँ भाभी बहुत, पर प्यार काफी नहीं है। माधव को पाने के लिए मुझे भी चित्रा दीदी से बहुत कुछ सीखना बाकी है। उनके जैसा बनना है मुझे। अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांति, ऋषदय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वे ओम शांतिरेव शांति, सामा शांति शांतिरेधि। होली की पूजा के लिए प्रसाद लेकर आइए। जी पंडित जी, वैदी बस लाती ही होगी।
क्यों पतिदेव, पेट में चूहे दौड़ रहे, पानी आ रहा है मुंह में? लीजिए खाइए। भैया आप ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया चित्रा। चित्रा नहीं, वैद्य ही हूं माधव।
चिपके दोनों साथ में। ये वैद्य रो क्यों रही है? तुम कैसे चुप खड़े हो आज? वैसे तो आलतू फालतू की बातें सुनकर तुम लंबी चौड़ी कहानियां लिख देते हो, हा?